हेलो ऑल, वेलकम है आपका माय पैशन ऑफ कुकिंग बाय माया में. आज मैं आपको एक नई डिश बताऊंगी. ये बहुत ही सिंपल डिश है, बहुत हेल्दी है, ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है और बच्चों के टिफिन के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ही बहुत अच्छी चीज़ है. तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स पराठा, पर ये स्टफ्ड नहीं होगा, ये आटे में गूंद के होगा. और इनमें आपको जो भी वेजिटेबल्स या सब्जियां घर में अवेलेबल हो ये इस्तेमाल कर सकते हो. और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हो. तो अब हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए. ठीक है, इस बर्तन में मैंने सारी सब्जियां घस के रख ली हैं. इसमें पत्ता गोभी है, गाजर है, प्याज है, गोभी है, मिर्ची है, बीन्स है. और अगर आपको बाकी सब्जी भी अवेलेबल है आपके घर में, जैसे कि आलू, ये सब आप खस के डाल सकते हो. जितनी ज्यादा से ज्यादा सब्जियां रहेंगी उतना ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है. और आप इसमें चाहिए तो पालक भी बारीक बारीक काट के ऐड कर सकते हो, मेथी भी ऐड कर सकते हो, जो इसका टेस्ट बहुत अच्छा करेगा. और इसके लिए आपको चाहिए आटा, ये नॉर्मल आटा हुआ है. मेरे घर में जो आटा इस्तेमाल होता है वो हम चक्की से पिसवाते हैं, ये पैकेट वाला आटा नहीं है, पर आप पैकेट वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसके साथ चाहिए आपको नमक, तेल पराठे में लगाने के लिए और थोड़ा सा गूंधते टाइम डालने के लिए. और आपको चाहिए इसमें पानी, पानी के साथ चाहिए आपको थोड़ी सी अजवाइन. अजवाइन सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा डाइजेशन में बहुत अच्छा हो जाए. अजवाइन बहुत अच्छा सोर्स है आपके डाइजेशन के लिए. जिन लोगों को भी ऐसा लगता है, क्योंकि गोभी, गोभी को बोला जाता है कि गोभी थोड़ी सी बादी होती है, बादी मतलब जो गैस्ट्रिक क्रिएट करती है, तो उसको एनहांस करने के लिए हमने थोड़ी सी अजवाइन ले ली है. बट ये अपार्ट फ्रॉम डाइजेशन टेस्ट बहुत अच्छा करेगी पराठे का. तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस बर्तन में आटा ले लिया है. अब मैं ये सारी सब्जियां इस आटे में मिक्स कर लूंगी. मैंने सारी सब्जी इस आटे में डाल ली है. अब मैं क्या करूंगी, स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाल लीजिए, जैसा आप खाते हो. ओके, और जितनी भी अजवाइन आपको टेस्ट के हिसाब से चाहिए, 1 टेबलस्पून बहुत है, बट इसको डालने के बाद आपका पराठे का स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा. अब मैं इसको गूंद लूंगी, इसमें आप पानी डाल लीजिए. ज्यादा पतला मत कीजिए, क्योंकि कैसा होगा, ये सब्जियां, सब्जियों में सेल्फ थोड़ा पानी होता है, तो जब आप इन्हें उसे गूंथ के रखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये थोड़ा पानी अपने आप भी छोड़ रहा है. तो आप इसको थोड़ा कड़क ही रखिएगा. इस आटे को तैयार करते वक्त मैंने गैस पे तावा रख दिया है और इसको मीडियम आंच पे आप गर्म होने दीजिए. तो अब आप देखेंगे कि ये बनना शुरू हो गया है. तो अब आप इसको अच्छे से गूंद लीजिए. मैं हमेशा कोई भी जब पराठा बनाती हूँ या तैयार करती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर लूँ, जिसकी वजह से आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा. और अगर आप पराठे को रख भी देते हैं खुले में या एक अगले दिन सुबह तक, तो पराठा हार्ड नहीं होगा. तो ये विधि आप किसी भी पराठा बनाते टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू का या रोटी, ये आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं. अब ये आटा गूंद के तैयार हो गया है. तो मैंने थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया था, उसकी वजह से आटा बहुत अच्छा और सॉफ्ट हो गया है. तो अगर आप देखेंगे तो ये सॉफ्टनेस इतनी होगी, तो बहुत ज्यादा गीला नहीं है, बहुत ज्यादा भी हार्ड नहीं है, बट इससे लोई अच्छी बन जाएगी. तो आप कीजिए इसकी जितना हैवी और जितना अच्छा पराठा आपको चाहिए, आप उसकी अलग अलग लोई बना के रख सकते हो. और इस पराठे को आप बच्चों को किसी भी चीज के साथ, दही के साथ या सॉस के साथ दे सकते हो. और इसमें आप अगर आपको कुछ मसाला ऐड करना हो, जैसे कि काली मिर्च, तो वो आप थोड़ा सा कूट के डालिए, पर ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अजवाइन की वजह से इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा फ्लेवर आ चुका है. अब इस लोई को हम बेल लेंगे. इसके लिए आप थोड़ा सा सूखा आटा ले लो. तेल आपको चाहिए जो आप पराठे पे लगाओगे. तावा ऑलरेडी गर्म हो रहा है जिसमें आप पका सकते हो. और ये इस हमेशा बेलते टाइम कपड़ा एक नीचे रख लीजिए, क्योंकि ये जब आप बेलेंगे ये पराठा तो अच्छे से बने और ये चौका हिले ना जिसपे आप बेलेंगे.
तो अब हम इसकी एक एक इसकी अच्छी सी लोई बना के अब हम इसका पराठा बना लेंगे। तो अब मैंने इसका रोटी बना लिया है। इसको बेलने के टाइम थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये बेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम इन द सेंस जो इसकी सब्जियां हैं। तो आप जितनी बारीक सब्जी रखेंगे ये उतनी आसानी होगी आपको बेलने में। अब मैं इसको इस गर्म तावे पे डाल लेती हूँ। तो अब हम इसको ओवरऑल देखा जाए तो मैंने आटा गूंदने में अराउंड 5 से 6 मिनट्स लगाया, अच्छे से गूंदिए। जितना जितना ज्यादा देर आप आटे गूंदते हैं उतना अच्छा पराठा बनता है। और अब मैंने मीडियम से थोड़ा सा बढ़ा, स्लो से मीडियम थोड़ा गैस को बढ़ा लिया ताकि पराठा अच्छे से हो जाए। अब बनाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप इसको बेल रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जियां हैं तो टूटने का है इसकी। इस एक्चुअली में इस आटे की आप पूड़ियां भी बना सकते हो, तो अगर आपको चाहिए सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए और आप इसको छान भी सकते हो। बट ज्यादा ऑयली खाना कभी कभी अच्छा नहीं होता है, तो आप लेकिन आप वंस इन अ ब्लू मून या हफ्ते में 2-3 बार, लेकिन बच्चों के लिए ये आटे की रोटी आप रोज बना के दे सकते हो, क्योंकि एक तो बहुत हेल्दी है, उनके टिफिन में उनको वैरायटी दिखेगी और ये बहुत ही कलरफुल है। तो और दूसरे लोग जो लोग बहुत ज्यादा प्लेन रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। अब मैंने ये एक साइड हो गया है, अब मैंने इसको पलट लिया है। अब आप देखेंगे तो ये दूसरी साइड से भी अच्छे से हो रहा है। मीडियम आंच पे पराठे हमेशा अच्छे होते हैं। और एक बात, आप इस पराठे में मूली भी घस के डाल सकते हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा सब्जियां लाइक धनिया, मूली, गोभी, पत्ता गोभी, मिर्ची, बीन्स या पालक, कोई भी चीज आप इसमें डाल सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, या फिर कि आप ये नहीं डाल सकते वो नहीं डाल सकते, आप जितना चाहे डाल सकते हो। अब ये दूसरी तरफ से भी पराठा हो गया है, तो अब मैं इसको, आप इस पे बटर या घी दोनों लगा सकते हैं। मैं जो बना रही हूँ मैं वो रिफाइंड ऑयल से बना रही हूँ। मैं नॉर्मली पराठा घी से ही बनाती हूँ और घी का स्वाद अपने आप में बहुत अच्छा होता है। और मेरे घर में जो घी इस्तेमाल होता है या जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो घी वो घर का बना हुआ होता है। तो सूनर मैं आपको घी बनाने का प्रोसेस भी बता दूंगी जो आप घर में बना सकते हैं, आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल है। तो आप देखेंगे ये पराठा को मैंने दोनों तरफ से ऑयल लगा दिया है। आप अपने हिसाब से तेल लगा सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि इतना ही ऑयल लगना चाहिए या इतना ही। अब आपको इसको हल्का हल्का थोड़ा प्रेस कर लीजिए। ध्यान रखिए जब आप इसको पलट रहे हो तो आपने गरम गरम तावे या गरम पराठे को ना टच करें, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। बहुत ही क्रिस्पी, और ये बारिश के सीजन में तो ये पराठा बहुत ही अब मैं इसको एक सर्विंग बोल में, सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। तो ये तैयार है आपका मिक्स पराठा, बहुत ही सिंपल विधि है और खाने में बहुत अच्छा। आप इसको, मैंने इसको सॉस के साथ सर्व किया है, पर आप इसको दही, चटनी या नॉर्मली ऐसे भी रोल करके भी खा सकते हैं और बहुत ही हेल्दी है खाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं माय पैशन ऑफ कुकिंग बाय माया में, और रेसिपीज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ वापस एक नई वीडियो के साथ आऊंगी। थैंक यू।